40 दिन का चिल्लई कला का जो मौसम है वो शुरू हो गया है। कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, इसकी शुरुआत हुई है सोमवार से, लेकिन इस मौके को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। लोक संगीत पर लोग इस मौके पर जमकर थिरके और जश्न मनाया गया चिल्लई कला का। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से चारों धाम में सफेद चादर बिछ गई है। गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक सारे पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। गंगोत्री धाम में अब तक 2 से 3 फीट बर्फ गिर चुकी है। गंगोत्री धाम में तापमान -2 डिग्री पहुंच चुका है। यहां मुख्य मंदिर से लेकर आसपास का पूरा क्षेत्र व्हाइट स्नो से सराबोर है। पेड़ पौधे, मकान, दुकान, होटल और आवासीय घर सब बर्फ की आगोश में सोया नजर आता है। ऐसे में इस विकट स्थान पर रहने वाले लोग सरकारी मदद की आस में है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा हम लोगों को और पानी यहाँ पे सब जम रहा है यहाँ पे। लेकिन उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड है और इसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और अब ठंड आगे और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का इस पर क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं कि कितने दिन तक और इस ठंड को झेलना पड़ेगा और किस कदर आगे तक ये ठंड बढ़ेगी। अधिकतम तापमान बढ़ चुका है अब काफ़ी जगहों पे हमारे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में और मिनिमम टेम्परेचर में भी अब बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी हम जो है कहते हैं कोल्ड वेव जो है आइसोलेटेड प्लेसेस में पंजाब और हरियाणा में रख रहे हैं और थोड़ा बहुत फॉग भी है पंजाब में खासकर और वेस्ट यूपी में भी इस तरह से कोल्ड वेव भी है, कोल्ड डे भी है और डेंस फॉग भी है। पुनीत के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, यहाँ तो कड़ाके की ठंड है, चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है, लेकिन पुनीत बाकी जगहों में क्या है ठंड के हालात, उसके बारे में क्या जानकारी है अपडेट? देखिए सुमेरा, पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, शीतलहर से दिल्ली वाले और उत्तर भारत के तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज कुछ राहत ज़रूर मिली है। पिछले कुछ दिनों में जो तापमान था वो 4 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन आज सुबह जो तापमान है दिल्ली में वो लगभग 10 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान जो है 26 दिसंबर के आसपास और नीचे जाएगा और 29 दिसंबर के आसपास जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। उस वक्त दिल्ली वालों को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि शीतलहर एक बार फिर चरम पर होगी। इसके साथ ही जो कोहरा है उससे काफी दिक्कत हो रही है, खासतौर से जो हाईवे है उस पर काफी ज्यादा कोहरा है। और आज सुबह भी अगर बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कार सवार काफी लोग जो है वो मर गए हैं, जिंदा जल गए गाड़ी के अंदर और उसकी वजह है कोहरा। तो ऐसे में अगर बात किया जाए ठंड की तो इस वक्त हालांकि दिल्ली में काफी ज्यादा ठंड है और लोग घरों से बाहर निकलने में भी खासतौर से शाम के वक्त कतरा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।